धरने पर बैठे हैं पहलवान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पूनिया ने लोगों और खिलाड़ियों से अपील की है। ये कहा है कि कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचें, खिलाड़ियों को समर्थन करें। बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर ये अपील की है। फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना है, अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बजरंग पूनिया ओलंपियन खिलाड़ी, और उन्होंने अभी अपील की है इस मामले में कि अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी खबर आपको बताने, लगातार जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं और वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पर। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब अपने आप में एक बड़ा मामला, केंद्र सरकार भी इस मामले में अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार ने भी जवाब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से इस मामले में मांगा है। तो वहीं लगातार जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंत्र में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचिज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है, इसमें आप हमारे साथ खड़े हुई है। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है, तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अरुण, लगातार ये जो धरना प्रदर्शन है वो दिग्गज पहलवानों का जारी है, और अब ये मामला जो है और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। अब एक बार फिर से अपील की है बजरंग पूनिया ने तमाम जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं उनसे सपोर्ट करने के। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि कल भी 4 बजे से ही इन्होंने कर दिया था जनता, तो कल के मुकाबले आज जितने भी रेसलर वो ज्यादा वहां पे पहुंचने वाले हैं। बजरंग पूनिया ने सब पहलवानों के साथ आम जनता से भी अपील की है कि उनका साथ दें। तो आज जो है ये कुछ ना कुछ ये रंग लेके जरूर आएगा, क्योंकि उनकी गंभीर आरोप है, फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उन पर संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने, कोचिस पर कई आरोप लगाए हैं उन्होंने, महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के जो है वो आरोप लगते हैं उनपे। तो आज जो है निरंतर ये जो है धरना वो चालू रहेगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अरुण। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पहलवान, और बजरंग पूनिया ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है, खिलाड़ियों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि कुश्ती खेल को बचाया जा सके।